नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। हमारे घर का सबसे अहम हिस्सा होता है किचन, लेकिन किचन बनवाते समय हमें खास ख्याल रखना चाहिए वास्तुशास्त्र का। वरना यदि हम वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने किचन को डेकोरेट कराते हैं, बनवाते हैं या फिर उसका स्थान सुनिश्चित कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम खास कर ख्याल रखते हैं किचन की वह दिशा होनी चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा सुख आए। क्योंकि किचन का वह हिस्सा जहाँ पर बच्चे हो या बड़े या बूढ़े, सभी के लिए किचन सबसे अहम हिस्सा होता है। खाने के लिए कुछ भी चीज़ चाहिए, पानी के लिए कुछ चाहिए, तो उसे हम सबसे पहले किचन में जाकर ही ढूंढते हैं। बच्चे को खाना चाहिए तो वह किचन में दौड़ कर जाता है और फिर खाना मांगता है, क्योंकि पेट को शांत करने के लिए और मन को शांत करने के लिए किचन सबसे अहम हिस्सा होता है। लेकिन किचन को कहाँ बनवाना चाहिए जिससे कि आपके घर में लड़ाई झगड़े ना हो। किचन को इस तरह से डेकोरेट करें या फिर अपने किचन की इस तरह से व्यवस्था करें जिससे कि आपके सदस्य यानी कि घर के सदस्य खुश रहें। नंबर एक, रसोई बनवाते समय हमेशा दिशा का खास ख्याल रखें। आप हमेशा रसोई घर पूर्व से दक्षिण की दिशा में बनवाएं, क्योंकि पूर्व से और दक्षिण दिशा आपके वायु और प्रकाश के लिए संचारण का सबसे अहम और सबसे अच्छा कार्य करते हैं, जिससे आपकी रसोई में हमेशा उजाला रहता है और आपकी रसोई में जो भी आप खाना बना रहे हो उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे वह खाना और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है और घर में किचकिच भी दूर हो जाती है। नंबर दो, कभी भी अपने घर में किचन को हमेशा दीवारों पर जो भी पेंट कराते हैं वह हमेशा सफेद कलर के ही पेंट कराने चाहिए। गंदे हो जाते हैं लेकिन वह अलग बात है, लेकिन स्वच्छता का सबसे अहम हिस्सा सफेद कलर माना जाता है। इसलिए आप दीवारों पर यदि सफेद कलर करवाते हैं तो वह आपके जीवन पे, आपके घर के सभी सदस्यों पे अच्छा इफेक्ट डालते हैं और उनकी भूख को थोड़ा शांत रखते हैं। सफेद कलर शांति का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए आप अगर शांत मन से घर में या किचन में खाना बनाते हैं तो वह आपके जीवन में खुशियों से भर देता है और आपके सदस्य भी खुश रहते हैं। नंबर तीन, कभी भी रसोई घर में टूटी हुई चीजें या टूटा हुआ कांच या टूटे हुए कोई भी बर्तन है उन्हें बिल्कुल ना रखें, क्योंकि टूटे हुए बर्तन रखने से रसोई घर में नकारात्मक प्रभाव आता है। आपके और आपके घर के सदस्यों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं जिससे रसोई घर में हमेशा किचकिच होती ही रहती है। तो आप कोशिश करें कि कांच का कोई भी बर्तन या फिर कांच शीट टूट जाती है तो हमेशा उसे फेंक दें, घर में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि यह नेगेटिव प्रभाव डालता है। नेगेटिव प्रभाव होने के साथ साथ आपके घर के सदस्यों के बीच में किचकिच और नकारात्मक प्रभाव भी डालता है, और नकारात्मक ऊर्जा जितनी ही ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। तो कोशिश करें इनमें से कोई भी कार्य ना करें। नंबर चार, यदि आप अपनी रसोई के लिए चुनाव कर रहे हैं जगह का जहाँ पर आप रसोई बनवा रहे हैं, तो उसके लिए खास ख्याल रखें कि आपके मुख्य द्वार के सामने आपका किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन पे नेगेटिव प्रभाव डालता है और रसोई में आपका मूड हमेशा ही खराब रहेगा। और हमेशा खाना बनाते समय हैप्पी मूड रहना चाहिए जिससे कि खाना और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है। आपके आसपास, रसोई के आसपास ऐसी कोई चीज ना रखें जिससे अन्न की कमी होती है, जैसे झाड़ू। रसोई के पीछे बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह अन्न की कमी का एहसास दिलाती है। कभी भी रसोई घर में झूठे बर्तन भी ना रखें, क्योंकि झूठे बर्तन आपके अन्नकूट की संख्या को कमी करती हैं और धन लक्ष्मी माता भी उस जगह नहीं आती हैं जहां गंदगी होती है। तो आप इनमें से कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिससे कि रसोई में कमी आए। नंबर पाँच, हमने खास कर देखा है कि रसोई घर में बिजली के उपकरण जरूर होते हैं। बिजली के उपकरण इसलिए होते हैं ताकि हमारी जो थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें हैं जल्दी से काम करवा दें, और उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा उपकरण अपना लेते हैं, क्योंकि आजकल खाना बनाने के लिए सबसे ज्यादा बिजली के उपकरण यूजेबल होते हैं। मसाला पीसने के लिए, रोटी बनाने के लिए या फिर आटा मारने तक के लिए भी उपकरण शामिल हो रखे हैं। लेकिन कभी भी इन उपकरण को रसोई में नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि बिजली के उपकरण आप कम से कम यूज करें जिससे कि आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव ना आए। चीजों को आप दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखें, क्योंकि यह दिशा सबसे साफ होती है, सकारात्मक होती है। तो यह है वह चीजें, यदि आप रसोई घर बनवाते समय इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपके रसोई घर में कभी भी किचकिच नहीं होगी, यानी कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, परिवार वाले भी खुश रहेंगे और खाना भी अच्छा बनेगा। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।